हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है फिटर टेक्नो बुक के क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे थे। इससे पहले हम लोग 5 चैप्टर के क्वेश्चन को जो है डिस्कशन कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। आज जो है 6ठे चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी मेटल चैप्टर से जो है क्वेश्चन को डिस्कशन करना शुरू करेंगे। इस चैप्टर में जो है 72 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको 3 पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे, 25-25 करके करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइए। क्या बोला गया है फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में कि विच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, यानी पृथ्वी के बाहरी हिस्से में कौन सी धातु अधिक पाई जाती है। ऑप्शन क्या दे दिया गया है, क्या कैल्शियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है या फिर आयरन है। तो एल्युमिनियम ऐसी मेटल होती है जो हमारे पृथ्वी के ऊपरी परत में सबसे बाहरी हिस्से में पाई जाती है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है यहाँ पर कि स्टील हैविंग 18% क्रोमियम एंड 8% निकल इज कॉल्ड, यानी जो है 18% क्रोमियम तथा 8% निकल वाली इस्पात को क्या कहा जाता है। हाई स्पीड स्टील, मार्जिंग स्टील, जंगरोधी स्टील यानी स्टेनलेस स्टील या फिर कार्बन स्टील, तो उसे हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है कि 18% हमारा क्रोमियम होता है और 8% जो है निकल होता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यदि आप इन क्वेश्चन के PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर में काफ़ी इम्पोर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा गया है, गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ, यानी जो है प्रकांश एक मिश्र धातु है। तो देखिए हिंदी को ना ध्यान दीजिए, इंग्लिश गन मेटल बोला गया, बंदूक धातु। तो जो हमारी गन मेटल होती है वो किसकी मिश्रण होती है, तांबा एवं जस्ता, तांबा एवं टिन, तांबा टिन तथा जिंक या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक से मिलकर हमारा जो है गन मेटल तैयार होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर में पूछा गया है कि एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरस अलॉय इज, यानी अलौह मिश्र धातु का उदाहरण है। यानी देखिए यहाँ पर अलौह मिश्र धातु पूछा गया है, क्या हमारा एल्युमिनियम है, पीतल है या फिर जिंक है या फिर कॉपर है। तो देखिए हमारी जो एल्युमिनियम है, जिंक है, कॉपर, ये सभी हमारी एक अलॉय मेटल हैं, ठीक है। लेकिन ब्रास जो है अलॉय अलॉय मेटल है, यानी जो है अलॉय मिश्र धातु है, ठीक है, नॉन फेरस अलॉय है। क्या कॉपर प्लस जिंक से मिलकर हमारा जो है ब्रास बनता है, पीतल बनता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल, यानी निम्न में से कौन सी अधातु है। तो पारा, सोडियम, मैग्नीशियम, ये हमारे जो है धातु के अंतर्गत आते हैं। अधातु की बात करें तो आर्गन, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर में क्या पूछा गया है हमसे, बोला गया है कि व्हाई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इज मेड अप ऑफ रॉट आयरन, यानी क्यों कृषि उपकरण लोहे से बना है। जो हमारा कृषि उपकरण होता है वह लोहे से क्यों बनाया जाता है, क्या कम लागत के कारण, लो कॉस्ट या फिर हैवी वेट, क्या भारी वजन के कारण या फिर कोरोजन रेजिस्टेंस। तो एग्जैक्ट सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जंग प्रतिरोध के कारण जो है रॉट आयरन से बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रॉट आयरन, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ड्यूरालुमिन इज एन अलॉय ऑफ व्हिच मेटल, यानी जो ड्यूरालुमिन होता है वह किसकी मिश्र धातु है, निकल की, सिल्वर की, मोनल मेटल की या फिर एल्युमिनियम की। तो यहाँ पर 7 नंबर का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ड्यूरालुमिन और हिंडोलियम जो होते हैं यह एल्युमिनियम की मिश्र धातु होते हैं, इसमें लगभग 95% जो है एल्युमिनियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि ब्रास इज एन अलॉय
कंसिस्टिंग ऑफ, यानी पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें शामिल होता है। तो पीतल पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बनती है। तो कॉपर और जिंक कहाँ पर मिल जाता है, ए ऑप्शन में ही मिल जाता है। तो कॉपर जिंक से मिलकर हमारा पीतल तैयार होता है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 8 नंबर का। 9 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमसे 9 नंबर में क्या बोला है कि द एबिलिटी ऑफ मेटल टू फॉर्म इनटू सीट इज, यानी जो है धातु को सीटों में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, डक्टिलिटी कह सकते हैं, यहाँ पर भी इलास्टिसिटी दिया गया है या मैलिएबिलिटी दिया गया है। तो देखिए जो हमारे धातु होती है तो उसको हम सीटों के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रॉपर्टीज को कहते हैं मैलिएबिलिटी, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैलिएबिलिटी यानी धातु वर्धनीयता प्रॉपर्टी के कारण जो है हम धातु के सीटों को जो है बना पाते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैवीएस्ट मेटल, यानी निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे हैवीएस्ट मेटल पूछा गया है। ऑप्शन में क्या दिया है इन्होंने, एल्युमिनियम, लेड, टाइटेनियम या फिर स्टेनलेस स्टील। तो देखिए भारी धातु की बात करें तो लेड हमारा सबसे भारी धातु करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हल्की धातु पूछता तो वहाँ पर एल्युमिनियम होता, एल्युमिनियम हल्की धातु होने के कारण ही इसका उपयोग जो है एयरक्राफ्ट में किया जाता है। 11 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि डॉट डॉट इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग, यानी जो है लोहे को जंग से बचाने के लिए किससे गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। तो जिंक की कोटिंग की जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। जो यह कोटिंग किसके काम आती है, रस्ट से बचाने के लिए, यानी जो है जंग से प्रोटेक्ट करने के लिए यह प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में पूछा गया है, क्या बोला गया है कि सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ, यानी सोल्डर एक मिश्र धातु होती है। तो सोल्डर लेड एंड टिन की मिश्र धातु होती है। 13 नंबर में पूछा गया है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम इज अप्रोक्सीमेटली, यानी जो है एल्युमिनियम का गलनांक लगभग होता है। तो 660 डिग्री सेल्सियस के समथिंग हमारे एल्युमिनियम का गलनांक होता है। तो 13 नंबर का डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नाउ इज, यानी कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है कौन, ग्रेफाइट, मार्बल, डायमंड या फिर यहाँ भी ग्रेफाइट दिया गया, यहाँ ग्रेनाइट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए यहाँ पर दोनों में, इसमें भी बी दिया है और इसमें भी दिया है, तो इसको सी मानना है, ठीक है। यहाँ पर जो है डायमंड हमारा सबसे कठोर पदार्थ होता है, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 15 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी शेप्ड टू ए वायर बाय ड्राइविंग प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी धातु के गुण जिसकी वजह से ड्राइंग प्रक्रिया द्वारा इसे तार के रूप के आकार का बना सकते हैं, इसे कहते हैं। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि धातु का वह कौन सा गुण है जिसकी वजह से हम ड्राइंग प्रक्रिया द्वारा धातु को जो है तार बना लेते हैं, उस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया है मैलिएबिलिटी, हार्डनेस, डक्टिलिटी या फिर ब्रिटनलेस। तो वह प्रॉपर्टीज कहलाती है हमारी डक्टिलिटी, तन्यता, तन्यता प्रॉपर्टीज के कारण ही हम धातु के जो है पतले पतले तार बना सकते हैं, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू रजिस्ट अब्रेशन और कटिंग इज कॉल्ड, यानी जो है अपघर्षण या कर्तन को प्रतिरोध करने के
एक धातु के गुण को कहा जाता है, यानी वह धातु का कौन सा गुण है जिसके कारण वह धातु अपघर्षण या कर्तन का यानी एब्रेशन और कटिंग का जो है रजिस्ट करती है, प्रतिरोध करती है। तो वह किस प्रॉपर्टीज के कारण, तो हार्डनेस एक ऐसी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण धातु दूसरे धातु से कटने में या फिर अपघर्षण करने में जो है विरोध करती है। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेरस मेटल, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु है। तो कॉपर हमारा अलौ धातु है, एल्युमिनियम भी अलौ है, सोना भी, माइल्ड स्टील हमारा जो है लौह धातु के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर जो है फेरस मेटल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 17 नंबर का। 18 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है कि वेरियस अलॉयिंग एलिमेंट आर एडेड टू प्रोड्यूस डिफरेंट अलॉय स्टील्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अलॉय एलिमेंट यूज इन हाई स्पीड स्टील। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है कि विभिन्न मिश्र धातुओं को मिलाकर विभिन्न मिश्र धातु इस्पात का उत्पादन किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातुओं के घटक का संयोजन उच्च गति इस्पात में इस्तेमाल किया जाता है यानी हाई स्पीड स्टील। तो हाई स्पीड स्टील में हमारा टंगस्टन, क्रोमियम और वैनेडियम होते हैं, जिसमें से टंगस्टन हमारा कितना होता है 18% होता है, क्रोमियम हमारा जो है 4% होता है और वैनेडियम जो है 1% होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन में हमें मिल जाता है टंगस्टन, क्रोमियम, वैनेडियम, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नॉट ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यानी निम्नलिखित धातु के गुण में से कौन सा वलकृत गुणधर्म नहीं है यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। ऑप्शन में क्या मिल जाता है, इलास्टिसिटी, टफनेस, कंडक्टिविटी और मैलेबिलिटी। तो देखिए सी ऑप्शन को छोड़कर इलास्टिसिटी, टफनेस और मैलेबिलिटी ये सभी हमारी जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आती है, लेकिन जो हमारी कंडक्टिविटी होती है, चालकता, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आ जाती है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू बी रोल्ड आर हैमर्ड विदाउट ब्रेकिंग आर क्रैकिंग इनटू थिन शीट इज कॉल्ड, यानी जो है हिंदी में बोला जाए तो क्या पूछा गया है कि धातु के गुण जिसे पतली चादरों में वियोजन या तरेड़ने के बिना बेलित या हथौड़े से तोड़न को कहा जाता है। तो थोड़ा सा हिंदी जो है इसका नेमी लैंग्वेज को कलेक्ट कर रहा है तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश की ओर फोकस करिए। बोला गया है कि धातु की वह कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम हैमरिंग या रोलिंग करके बिना किसी ब्रेकिंग के और क्रैकिंग के टूटे फूटे बिना पतली शीट में कन्वर्ट करते हैं, उसे क्या कहलाते हैं यानी उसे क्या कहा जाता है। तो उस प्रॉपर्टीज को कहा जाता है मैलिएबिलिटी, धातुवर्धनीयता। धातुवर्धनीयता प्रॉपर्टीज के कारण ही हम उसके पतले पतले शीट जो है बनाते हैं। 21 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मेटल्स विच बर्न ऑन एक्सपोजर टू एयर आर बेस्ट स्टोर्ड, यानी जो है हिंदी में बोला जाए तो क्या बोला गया है कि धातुएं जो हवा में खुली होने पर जल जाती हैं उनको डॉट डॉट में अच्छी तरह स्टोर किया जाता है। तो वे धातुएं जो खुली हवा में रखने से जलने लगती हैं, जल जाती हैं, उसे जो है हम अंडर केरोसिन, मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं। लाइक हमारी सोडियम एक ज्वलनशील है जो खुले हवा में रखने पर जलने लगती है, तो उसे हम केरोसिन के अंदर रखते हैं। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर में पूछा गया है कि विच ऑफ दीज मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल में होती है। क्या वह एल्युमिनियम है,
मरकरी है, तो एग्जैक्ट हमारा मरकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरकरी एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के रूप में होती है, तरल में होती है। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है, तो मरकरी होती है, पारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में पूछा गया है कि गल्वेनाइज्ड मेटल हैव बीन कवर्ड विथ ए थिन सीट ऑफ, यानी जस्ताकृत धातुओं को किसकी पतली परत से कवर किया जाता है, तो जिंक की पतली परत से जो है कवर किया जाता है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी फाउंड इन ए प्योर स्टेट इन नेचर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक में शुद्ध अवस्था में पाई जाती है, यानी वह कौन सी धातु है जो प्राकृतिक रूप में शुद्ध रूप अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन क्या दिया गया है, लिथियम, आयरन, गोल्ड या फिर एल्युमिनियम, तो 24 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोल्ड जो है प्योरेस्ट अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोस्ट मेटल हैव यानी अधिकतर धातुएं होती है क्या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिवनेस या फिर लो इलेक्ट्रोनेगेटिवनेस, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है 25 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट को जो है हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।